गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हम रोज़ की तरह अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं और उम्मीद है आप सभी बच्चे भी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट होंगे रोज़ की तरह। और प्रेजेंट होने के बाद आप सभी बच्चों को क्या करना होता है, अपना अटेंडेंस बनाना होता है कमेंट बॉक्स में जाकर। तो आप सभी को पता है कि आपका क्लास कौन सा है, क्लास वन, ठीक है, तो ये तो पता है। लेकिन सबसे पहले आप लोग क्या करना है, आप लोगों को अपना अटेंडेंस बनाना है। तो प्लीज़ आप अपना अटेंडेंस बना लें ताकि हम सभी को, हम टीचर्स को पता चल सके कि आप अपने क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। और आप सभी ने अटेंडेंस बना लिया हो तो उसके बाद आप सभी को क्या करना है, बुक्स एंड नोटबुक्स दोनों ओपन करनी है। बुक क्या है, साइंस, अभी जो सब्जेक्ट है वो क्या है, साइंस है, तो साइंस की बुक ओपन करनी है और नोटबुक भी साइंस की ओपन करनी है। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सभी बच्चे जिनके पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स परचेस करवा लीजिए, ठीक है। आपका जो सिलेबस था अभी फ़िलहाल, मतलब जहाँ तक आपको पढ़ना था वो तो कंप्लीट हो चुका है, उसका रिविज़न हो रहा है और इसके बाद, मतलब रिवीजन हो जाएगा उसके बाद फिर हम जो सिलेबस होगा नेक्स्ट सिलेबस उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो और टाइम भी आप लोगों का निकलता जा रहा है, ठीक है। ये जो मंथ है, मतलब जून महीना चल रहा है और आप लोगों की बुक नहीं आई है, तो प्लीज़ आप लोग बुक ख़रीद लीजिए ताकि आप लोग पढ़ने में मुश्किल ना हो, दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग जो हमारा आज का क्लास है, जो रिवीजन करना है उसको हम रिवीजन करते हैं। तो हम लोगों ने जो चैप्टर का रिवीजन करना है वो क्या है, एनिमल्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ के पशु पक्षी। एनिमल्स में बहुत, यानी कि सभी पशु आ गए, सभी जानवर आ गए, चाहे वो वाइल्ड एनिमल हो, डोमेस्टिक एनिमल हो, पेट एनिमल हो, बर्ड्स हो या इंसेक्ट्स हो, सभी आते हैं, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में पेट्स एनिमल के बारे में जाना। पेट एनिमल्स किसे कहते हैं, तो पेट एनिमल्स उन्हें कहते हैं जिसे हम अपने साथ अपने घर में रखते हैं, ठीक है ना। लीव आवर हाउसेस आर कॉल्ड पेट एनिमल्स, जो हमारे साथ हमारे घरों में रहते हैं उन्हें हम पालतू जानवर कहते हैं, जिनको हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने क्या बोलते हैं, इंजॉयमेंट के लिए पालते हैं, मतलब उनके साथ हमारा जो दिन है वो अच्छे से गुजरता है। और उसमें जो डॉग है वो क्या करता है, कुत्ते हमारे घर की रखवाली करते हैं, हमारे घर को मतलब चोर से, इस तरह से हमें क्या हमारे घर को, हमें सभी को सेफ रखते हैं। उसके बाद है केयर ऑफ पेट एनिमल्स, पेट एनिमल्स का हम केयर कैसे करें, तो इसके बारे में इसमें क्वेश्चन भी था इस चैप्टर में और मैंने इसका आंसर भी लिखाया है। तो आप सभी बच्चे इसका वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर सभी को अच्छे से याद करेंगे और जो रिवीजन में मैंने जो आप सभी को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखवाया, तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से रिमेंबर करना है, ठीक है ना। अच्छे से एकदम केयरफुली होके आप सभी चीज़ को रिमेंबर कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो आप टाइम निकाल के उस क्वेश्चंस को क्या करना है, रिमेंबर करना है, ठीक है। उसके बाद हमने डोमेस्टिक एनिमल के बारे में पढ़ा, डोमेस्टिक एनिमल उसे कहते हैं जिसे हम अपने फ़ायदे के लिए पालते हैं, है ना। तो जैसे कि गोट, गोट को अपने फ़ायदे के लिए हम कैसे पाल सकते हैं, तो गोट का क्या होता है, उसे, उससे दूध में निकलता है और दूध हम बेचते हैं, है ना। उसके बाद हॉर्स, हॉर्स क्या करता है, तो हॉर्स राइडिंग के लिए है, मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह, एक शहर से दूसरे शहर ले जाता है, है ना। और उसका रेस में भी काम होता है, जब रेसिंग होता है, हॉर्स जो होता है, हॉर्स राइडिंग होता है, वो सब भी होता है। जैसे हम पहाड़ी इलाका पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, बहुत सारी जगह पे हॉर्स राइडिंग होता है, हॉर्स की यानी कि घोड़े की सवारी होती है। और टांगा, जैसे टांगा बोलते हैं, वो भी हॉर्स से ही चलता है। उसके बाद शिप, शिप को हम अपने लिए ही पालते हैं, तो शिप से हमें क्या मिलता है, तो ऊन मिलता है, ऊन मिलता है, और उससे क्या बनता है, तो विंटर क्लॉथ, जो गर्म कपड़े होते हैं जो सर्दी के दिनों में हम पहनते हैं, तो वो कपड़ा कहाँ, यानी कि जो गर्म कपड़े होते हैं वो ऊन के बने होते हैं, और ऊन कहाँ से होता है, तो वो शिप से मिलता है। काऊ,
काऊ से हमें क्या मिलता है, तो दूध मिलता है, और दूध से हम बहुत तरह की वैरायटी बनाते हैं, चीज़, पनीर, कर्ड, ये सब कहाँ से बनता है, तो दूध से बनता है। और दूध कहाँ से मिलता है, तो काऊ है, बफेलोज है, गोट है, इन तरह के, यानी कि इस तरह के जानवरों से हमें मिलता है। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको हम डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं। अब डोमेस्टिक एनिमल का केयर कैसे करेंगे, तो उनको हम क्या करते हैं, उनको खाना देते हैं, उन्हें अच्छी तरीके से हमें खाना देना चाहिए, तो यानी कि जो अच्छा खाना हो उनके लिए। उसके बाद उनके घरों की बंदोबस्त करना होता है, उनके घरों की सफाई करनी होती है, उनकी सफाई करनी है हमें, ये नहीं कि सिर्फ हम उसको पालेंगे, नहीं, उसको हम अच्छे से खाना दें उन जानवरों को, और उनको हम उनके घर की अच्छे से यानी कि साफ़ सफाई करें, तो इस तरह से हम उनकी केयर कर सकते हैं। उसके बाद वाइल्ड एनिमल है, वाइल्ड एनिमल जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है ना, जैसे टाइगर है, लायन है, जिराफ है, ज़ेब्रा है, इन सब और भी बहुत सारे जानवर हैं, जैसे आपको फॉक्स है, चीता है, ये सब क्या है, वाइल्ड जानवर, यानी कि वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जंगलों में पाए जाते हैं, और इनकी रखवाली हम इंसान नहीं करते, ये अपनी रखवाली खुद ही करते हैं, ठीक है ना, इनकी देखभाल हम इंसान नहीं कर सकते हैं। अगर हम इंसान इनके इन जानवरों के पास जाएंगे तो ये हमें क्या करेंगे, मार सकते हैं, ठीक है। और ये अपने खाने का भी इंतज़ाम खुद ही करते हैं, खुद ही ढूंढते हैं अपने खाने को, अपना घर खुद ही ये बनाते हैं। उसके बाद बर्ड्स, जिसे हम पक्षी बोलते हैं, और पक्षी यानी कि बर्ड्स की जो आवाज़ होती है, जो साउंड होते हैं, बहुत मीठे होते हैं, आप सभी बच्चों ने उसे सुना होगा, चिरपिंग जिसे हम बोलते हैं ना, चहचहाहट, तो कितनी अच्छी होती है, एकदम मीठी होती है, मधुर होती है। जैसे बर्ड्स में क्या हो जाएगा, बहुत सारी बर्ड्स हैं जो हम देख सकते हैं, अपने आसपास देखते हैं, जैसे स्पैरो है, पिजन्स है, क्रोज है, पैरट है, हेंस है, इन सभी बर्ड्स को हम देख सकते हैं। और बहुत सारी बर्ड्स हैं जिन्हें हम नहीं देखते, हम क्या कहाँ देखते हैं, या तो जू में देख सकते हैं या हम टेलीविज़न पे देखते हैं। उसके बाद हैं कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, जैसे बर्ड में डक एंड स्वान, ये भी बर्ड है लेकिन इसे पानी में रहना पसंद है। उसके बाद है फिश, टर्टल, क्रोकोडाइल, ये सब यानी कि वाटर एनिमल है, ठीक है। इंसेक्ट्स को सिक्स लेग्स होते हैं, है ना। उसके बाद और कोई यानी कुछ इंसेक्ट्स कैसे, उनके पास विंग्स भी होते हैं उड़ने के लिए, जैसे आपको हाउस फ्लाई है, कॉकरोच है, ठीक है। उसके बाद ग्रास हॉपर है, ये भी उड़ता है। एंड इन सभी इंसेक्ट्स को, मतलब ज़्यादातर जो इंसेक्ट्स हैं उन्हें कितने लेग्स होते हैं, तो सिक्स लेग्स होते हैं। साउंड ऑफ एनिमल, ये भी आपको पढ़ना है कि जानवरों की आवाज़ कैसी होती है, कौन यानी कि कौन सा जानवर किस तरह की आवाज़ निकालता है, तो ये सब आप लोगों ने UKG में भी पढ़ा है और यहाँ पे भी आपको पढ़ना है। तो जैसे कैट, म्यू, कैट की आवाज़ को क्या बोलते हैं, म्यू। काऊ, मो। उसके बाद डॉग का जो साउंड होता है वो बार्क होता है, जिसे भौंकना बोला जाता है। इसी तरह और भी एनिमल्स हैं, और भी जानवर हैं जिनकी आवाज़ यानी कि अलग अलग आवाज़ होती है, जैसे बर्ड का चिरपिंग होता है। उसके बाद आपको एलिफेंट, ट्रम्पेट, एलिफेंट के साउंड को ट्रम्पेट बोला जाता है ना। उसके बाद आपको स्नेक साउंड होता है, हिस। मंकी का क्या होता है, ग्रंट, नहीं, मंकी का चैटर होता है। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो यहाँ पे आपको मैं होमवर्क में दूंगी कुछ इंग्लिश वर्ड दूंगी जिसका आपको हिंदी मीनिंग लिखना है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे उस का हिंदी मीनिंग हर हाल में लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का होमवर्क यही होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं। डोमेस्टिक
डोमेस्टिक का आपको हिंदी में लिखना है, उसके बाद है केयर, CARE केयर, थर्ड होगा KIND काइंड, फोर AROUND अराउंड, ठीक है। इन सभी वर्ड्स का आपको क्या करना है, हिंदी मीनिंग लिखना है। अराउंड, उसके बाद हो जाएगा विंग्स या विंग, ठीक है। सिक्स नंबर आपको वन बाय वन आपको उतारना है, ठीक है ना। सिक्स में आपको फाइव के बाद आपको सिक्स उतारना है, ठीक है। मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, TYPE टाइप, सेवन, सेवन में आपको लिखना है CHRIP ट्रिप, एट में है मोस्ट MOST मोस्ट, नाइन ग्राउंड GROUND ग्राउंड, एंड टेन, सिर्फ टेन वर्ड यानी कि वर्ड दूंगी जिसका आपको क्या करना है, हिंदी मीनिंग लिखना है। जैसे डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक का हिंदी मीनिंग क्या होता है वो लिख देना है, केयर मीन्स क्या होता है वो लिख देना है, आपको हिंदी में लिखना है, इसका मीनिंग लिखना है हिंदी में, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा SOUND साउंड, इन सभी का हिंदी मीनिंग लिखना है, ठीक है ना। डोमेस्टिक DOMESTIC डोमेस्टिक CARE केयर, KIND काइंड, AROUND अराउंड, WING विंग, TYPE टाइप, CHIRP होता है, CHIRP ओके, ट्रिप, CHIRP ट्रिप, MOST मोस्ट, GROUND ग्राउंड, SOUND साउंड। तो इन वर्ड्स का आपको क्या करना है, मीनिंग लिखना है, हिंदी मीनिंग लिखना है, ठीक है, हिंदी में लिखना है और मीनिंग लिखना है। तो आप इन सभी वर्ड्स का नीट एंड क्लीन पहले आपको उतारना है, उसके बाद हिंदी मीनिंग लिखना है, उसके बाद इसे रिमेंबर भी करना है। रिमेंबर रहेगा तो आपको, अगर मैं पूछूंगी स्कूल खुलने के बाद, तो इसका मीनिंग आप आसानी से बता सकते हैं, या अदर कोई भी पूछे तो आपका, आपको इसका मीनिंग आसानी से याद रहेगा तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसे मैं इरेज कर रही हूँ, और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, उसे भी आप क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा, ओके। क्वेश्चन है जो
अलग होगा, उसे आपको क्या करना है, सर्किल कर देना है। चूज मतलब वही होता है सर्किल, या सर्किल मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी होगा। सर्किल और वन आउट, ठीक है। क्वेश्चन है, हेडिंग आपको क्या लिखना है, सर्किल ऑड वन आउट, जो ऑड होगा जो अलग होगा उसे आपको क्या करना है, सर्कल करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डॉग साउंड इज, ठीक है, फर्स्ट में आप नंबर वन है, ये चार वर्ड आपको दिख रहा है, बार्क म्यूज बर्ड मोज। तो यहाँ पे जो अलग है उसे आपको क्या करना है, सर्कल करना है। तो ये बार्क म्यू और मोज ये क्या है, साउंड है, जानवरों की आवाज़ है, लेकिन ये बर्ड क्या है, एनिमल है। तो इसे आपको क्या कर देना है, सर्कल कर देना है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद है नंबर टू, लायन ट्रिप टाइगर एंड फॉक्स, ठीक है। अब इसमें जो ऑड वन आउट है उसे आपको क्या करना है, सर्कल कर देना है। नंबर थ्री, पैरट स्पैरो, पी ए आर आर ओ टी पैरोट, एस पी ए आर आर ओ डब्ल्यू स्पैरो, ठीक है। बैट बी ए टी बैट, उसके बाद क्रो सी आर ओ डब्ल्यू क्रो। इसमें जो ऑड होगा उसे आपको सर्कल करना है, ठीक है। ओके, फिश टर्टल क्रोकोडाइल, इसमें जो आपको अलग नजर आ रहा है उसे आपको सर्कल करना है, ठीक है। उसी तरह रैबिट आर ए बी बी आई टी रैबिट, ठीक है। इसके बाद कैट डॉग लायन, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, और होमवर्क में क्या है, सर्किल ऑड वन आउट, जो आपको अलग नजर आ रहा है इन सभी रो में उसको क्या करना है, सर्किल। जैसे बार्क म्यू बर्ड मो, तो इन बार्क म्यू और मूज क्या है, ये साउंड है और बर्ड एनिमल है, तो ये सर्कल मैंने कर दिया। उसी तरह आपको क्या करना है, दूसरे में लायन ट्रिप टाइगर फॉक्स, इसमें जो आपको ऑड लगे अलग लगे उसे आपको सर्कल करना है, पैरट स्पैरो बैट क्रो, इसमें जो आपको अलग लगे उसको आपको सर्कल कर देना है। हेन फिश टर्टल क्रोकोडाइल, जो अलग है उसे आपको सर्कल करना है। रैबिट कैट डॉग लायन, इनमें जो अलग लग रहा है उसे आपको सर्कल करना है। तो इस तरह से आप सभी को क्वेश्चन सॉल्व करना है।
तो आप नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में से नोट कीजिएगा अपने नोटबुक में, और सभी बच्चों को नोट करना है क्योंकि ये रिविज़न है, तो रिविज़न में आप सभी बच्चों को क्या करना होता है, अपने नोटबुक में नोट करना है, ठीक है ना। और रिमेंबर भी करते रहना है, ठीक है। एक तो मैंने अभी हिंदी मीनिंग दिया, जो आपको हिंदी मीनिंग लिखना है, इंग्लिश वर्ड है और उसका हिंदी मीनिंग लिखना है, ठीक है। और ये दूसरा क्वेश्चन है ऑड वन आउट, तो इसे भी आपको अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको नोट करना है और उसे बनाना है। और फिर नेक्स्ट क्लास में जिस तरह से हमको हम रिविज़न करते हैं, मैच करते हैं, उसी तरह से मैच करेंगे। और सबसे पहले तो आपको रिमेंबर का काम करते रहना है, रिमेंबर का काम आपको छोड़ना नहीं है। जिस चैप्टर का रिविज़न होता जा रहा है सभी को आप कंटिन्यूसली और अच्छे से रिमेंबर करते रहिए, ठीक है। और जब स्कूल खुलेगा तब हम लोग सुनने का काम करेंगे, हम सुनेंगे आपसे और आपको सुनाना भी है। तो इस तरह से आप लोग अपने रिमेंबर का काम जारी रखिए, इसे बंद मत कीजिएगा, स्टॉप मत कीजिएगा। ये नहीं कि सिर्फ क्लास में जब हम यानी कि आप बच्चे हमें सुनते हैं या कोई चीज़ नोट करते हैं तो बस उतने ही तक, ये नहीं होना चाहिए। अदर टाइम में भी आपको रिमेंबर करना है, और जो होमवर्क बनाना है वो होमवर्क बनाइए, और जिस टाइम रिमेंबर करने का है और कंटिन्यूसली इस काम को करते रहिए, छोड़ना नहीं है। और इस चीज़ को हम लोग इस यानी कि सब्जेक्ट को और इस क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। और जब हमारा क्लास एंड होता है तो मैं आप सभी बच्चों को क्या देती हूँ, गुड मैनर टिप देती हूँ। और गुड मैनर टिप जो है वो क्या है, डू नॉट ईट एट द प्ले एरिया जहाँ पे सभी बच्चे खेलते हैं, वहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए, वहाँ पे खाना नहीं चाहिए। खाना क्यों नहीं चाहिए, तो एक तो वहाँ पे गंदगी फैलेगी, किसी भी तरह का अगर वो क्या बोलते हैं पैकेट वाला सामान होगा तो गंदगी फैलेगी, है ना। और दूसरी बात, खेलने के दौरान हमारा हाथ गंदा हो जाता है तो वहाँ पे हाथ धोने की कोई सुविधा नहीं होती है, है ना। तो खाना नहीं चाहिए गंदे हाथ से। और दूसरा, हम जो चीज़ खा रहे हैं तो उसका रैपर वगैरह होता है, गंदगी होती है। जब कभी कभी मतलब खाने के दौरान वो खाना गिर जाता है, एक तो खाना गिराना नहीं चाहिए, और बाय द वे अगर गिरता है तो वो क्या होगा, वो एरिया गंदा होगा, वो जगह गंदा होगा। तो इसीलिए हमें जहाँ पे हम खेलते हैं हम सभी बच्चे, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। तो गुड मैनर टिप, इसको हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पे भी हो इस चीज़ को फॉलो करना है आप सभी को। तो क्या है, डू नॉट ईट एट द प्ले एरिया। तो आज का गुड मैनर टिप यही है, आप सभी को फॉलो करना है। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।